बेवफा वफा की कीमत क्या जाने, बेवफा वफा की कीमत क्या जाने, है बेवफा गम में मोहब्बत क्या जाने। जिन्हें मिलता है हर मोड़ पर नया हमसफर, वो भला प्यार की कीमत क्या जाने। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा और सलाम इश्क में आपका स्वागत है। आज का शब्द बहुत छोटा सा है पर इसका असर बहुत ही गहरा है। जिंदगी हो या मोहब्बत, राजनीति हो या बिजनेस, रिश्ते हो या नाते, इस शब्द के बिना काम चलता नहीं है। जी हाँ, आप समझ पाए क्या इस शब्द को? नहीं तो चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। तो वो शब्द है वफा। वैसे तो इश्क में वफा का जिक्र ज्यादातर बेवफाई की स्थिति में ही किया जाता है, लेकिन असल में बेवफाई और वफा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी गौर किया है आपने? कोई गल नहीं जी, अब तो मैंने बता ही दिया, गौर कर लीजिए। तो वो कहते हैं ना, वफा ना रास आई तुझे ओ हर जाई, वफा ना रास आई तुझे ओ हर जाई, मुझे ओ बेवफा जरा ये तो बता, तूने आग ये कैसी लगाई। वैसे तो हर किसी के बस की बात नहीं किसी एक के लिए वफादार होना। यहाँ आज के ज़माने में वफा ढूंढने से भी नहीं मिलती और बेवफाई बिन ढूंढे खुद चल के आ जाती है। वफा से मुझे 1967 की फिल्म उपकार का एक गीत याद आ गया। पता नहीं आप में से कितनों ने इसे सुना होगा या नहीं सुना होगा। तो वो गाना कुछ ऐसे है, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। उस जमाने में इस गीत को बहुत लोगों ने पसंद किया था। हम चाहे कितने भी वफादार रह लें किसी के लिए, ना जाने क्यों लोगों के लिए बहुत महंगा सौदा हो गया है किसी एक का होकर रहना। जब मन भर जाता है तो चल देते हैं किसी और राह पर, किसी और के साथ, वो सारे सुख लेने के लिए जो कभी हमसे लिए, वो सब कुछ करने के लिए जो हमारे साथ किया, वो सारी बातें वादे जो हमारे साथ किया, अब किसी और के साथ करने। ये गीत शायद आपने सुना होगा, वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। ना जाने क्यों लोगों को एक बार भी ये एहसास नहीं होता कि जब हमें पता चलेगा तो कैसा लगेगा, क्या हश्र होगा हमारा, हम तो टूट ही जाएंगे ना, पर हमारे बारे में सोचता ही कौन है। जो शख्स धोखा देता है ना, वो बहुत ही मतलबी होता है, उसे किसी की नहीं पड़ी होती, किसी के जज्बात से मतलब नहीं होता, किसी के दर्द से मतलब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। वैसे किसी ने क्या खूब कहा है, ना जाने उस पर इतना यकीन क्यों है, ना जाने उस पर इतना यकीन क्यों है, उसका ख्याल भी इतना हसीन क्यों है। सुना है प्यार का दर्द मीठा होता है, तो आँख से निकला ये आंसू इतना नमकीन क्यों है। तो कभी कभी सोचती हूँ कि काश किसी के असली रूप के बारे में शुरुआत में ही पता चल जाए तो कितने मासूम दिल टूटने से बच जाए। पर लोग छुपाते हैं अपनी नियत, छुपाते हैं कि वो आखिर हमसे चाहते क्या हैं। शायर नरेश कुमार शाद ने ऐसे लोगों के बारे में ही शायद लिखा होगा। उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है कि मैं सोचती हूँ कि एक जिस्म के पुजारी को मेरी वफा ने वफा का सुहाग क्यों समझा। शायद ऐसे लोगों का बस नहीं चलता अपने आप पर, अपनी बदलती नियत पर और फिसलते मन पर। वो कहते हैं ना, कैसे लोग बसते हैं इस जहां में, एक से वफा कर नहीं सकते, दूसरे से दिल लगा लेते हैं। इसलिए मुश्किल है यकीन करना लोगों पर, उनकी वफादारी के लिए समझ ही नहीं आता कैसे शांत करें अपने मन को, जो डरता है लोगों पर भरोसा करने से, किसी एक गलत इंसान की वजह से हम किसी अच्छे इंसान पर भरोसा करने से भी डरने लगते हैं, वो विश्वास दिलाते दिलाते थक जाते हैं।
और हम फिर भी विश्वास नहीं कर पाते। वाकई में बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में वफादारी मिलना। सिर्फ और सिर्फ नसीब वालों को ही मिलते हैं ऐसे लोग जो सारे ज़िंदगी उनके होकर रहते हैं पूरे मन और सम्मान के साथ। शायर जिगर मुर्दाबादी साहब ने भी क्या खूब कहा है, दुनिया के सितम याद ना अपनी ही वफा याद, दुनिया के सितम याद ना अपनी ही वफा याद, अब मुझको नहीं ये कुछ भी मोहब्बत के सिवा याद। इसी तरह किसी और ने भी क्या खूब कहा है, क्या है वफाए मोहब्बत, क्या है वफाए मोहब्बत, शायद तेरी राह देखते हैं, तेरे इश्क में जीने की चाह देखते हैं, तुझसे है प्यार सनम दिलो जा से, अब तो बस तेरी मोहब्बत का पैगाम देखते हैं। अपने इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं लेती हूँ विदा, अगले हफ्ते फिर मिलूंगी। फिलहाल के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।